वेलकम गाइस, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि गांव की जो सबसे ऊंची टंकी होती है वहां से गांव कैसे दिखता है और ये टंकी कैसी है ऊपर से। तो गाइस, यहां पर जूम करके आपको बता रहे हैं। तो अब दोस्तों, हम चल रहे हैं घर से, जैसे ही निकल रहे हैं। तो गाइस, यहां पर देख लीजिएगा, ये रास्ता है और यहाँ पर दोस्तों हम जाएँगे इस टंकी पर, और टंकी पर जाके दोस्तों हम बताएँगे कि किस तरह से ये टंकी दिखती है और उसके ऊपर से गाँव किस तरह से दिखता है। तो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से देख लीजिएगा, बहुत ही संकरी संकरी गलियां से होते हुए हम दोस्तों यहां पर सीधे सीधे टंकी की ओर जा रहे हैं। तो यहां पर देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल गांव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी दोस्तों राजस्थान या फिर दोस्तों इंडिया, चाइना, थाईलैंड और दोस्तों पाकिस्तान के गाँव के वीडियोस देखना चाहते हो, ब्लॉगिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मिलते रहेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग वीडियो। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, अगर आप भी वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, वो भी दोस्तों बहुत ही कम चीप प्राइस में, तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे गाँव का बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा। हम दोस्तों यहाँ पर देखो गाइस, ये बहुत ही पुराना पेड़ यहाँ पर दोस्तों पहुँच चुका है। यहाँ से हमें टंकी बिल्कुल खुली और स्पष्ट दिखाई देगी, बहुत ही अच्छा व्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। ये है दोस्तों गाँव की जो नई बनी हुई टंकी है, और वो थोड़ी जो दूर दिख रही है वो दोस्तों गाँव की पुरानी बनी हुई टंकी है, वो भी दोस्तों सबसे वो भी ऊपर है। ये दोस्तों जो है आपको नीचे ये दूसरी टंकी दिख रही है, वो दोस्तों बड़ी दिख रही है, क्योंकि दोस्तों ये अभी बनी हुई है और ये पास में है, ठीक है। तो हम दोस्तों चलते हैं पुराने वाले इस जो है टंकी पे और बात करेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, ये गांव का तालाब है जहाँ पर दोस्तों बहुत सारी हरियाली और उसमें दोस्तों कमल के फूल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, इस सीन को देखते देखते चलेंगे और हम देखेंगे गाइस किस तरह से जो है हमारे गांव की टंकी से, गांव की टंकी में किस तरह से हम दोस्तों ऊपर चढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों हम देखेंगे कि भाई गाँव की टंकी है, उसके ऊपर चढ़ते टाइम दोस्तों यहाँ पर किस तरह का सीन दिखेगा। तो गाइस, ये जो है कमल है, जो अभी दोस्तों नए नए फूल आ रहे हैं, तो इसका भी दोस्तों हम लाइव वीडियो और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग के साथ हम दिखाएंगे कमल के फूल कैसे तोड़ते हैं और हमारे गांव में कमल के फूल किसने उगाए और किस तरह से कहाँ कहाँ पर और भी हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले आगे चलते हैं। तो गाइस, हम चल पड़े हैं आगे जो पुरानी वाली टंकी है उस पे। तो यहाँ पर देखो गाइस, धूप है वो बहुत ही तेज़ है, तो तेज़ धूप में हम दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग वीडियो शूट कर रहे हैं। इस ब्लॉगिंग वीडियो में आप देख पाएंगे टंकी के ऊपर से आप किस तरह से जो है गांव दिखता है, या फिर किस तरह से दिखती हैं टंकी ऊपर से कैसे दिखती हैं, अंदर से कैसे दिखती हैं, वो सारी की सारी व्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो गाइस, बहुत ही हरियाली है और कबूतर यहाँ पर दोस्तों पानी पी रहे हैं, कुछ जो है दाना चुग रहे हैं। और जो है यहाँ पर देख लीजिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा व्यूज़ यहाँ व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, बहुत ही हरियाली है। यहाँ से दोस्तों पानी आ रहा है और चलते हैं दोस्तों आगे। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हो, बहुत ही अच्छी हरियाली के अंदर दोस्तों यहाँ पर होते हुए मैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और ये जो है नई वाली टंकी, अगर दोस्तों इसके ऊपर चढ़ना है तो गाइस आपको हमारे जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कम से कम दोस्तों 1000 लाइक अगर आ जाते हैं तो हम दोस्तों नई वाली टंकी पर चढ़ेंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे, सबसे ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना। और वहाँ से बताएँगे कि भाई किस तरह से टंकी दिखती है, गाँव कैसा दिखता है। और इसके बाद में दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इस टंकी पे। तो गाइस चलते हैं, इसकी सीढ़ियां बनी हुई हैं, चढ़ने की व्यवस्था सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों परमानेंट, मतलब दोस्तों जो वर्कर यहाँ पर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो पानी छोड़ते हैं या फिर दोस्तों पानी भरते हैं वहाँ पर, जो इस तरह से जो है इस टंकी पे चढ़ते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर देखो गाइज, मैं बिल्कुल टंकी के पास में पहुँच चुका हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे जो है टंकी के बिल्कुल पास में यहाँ पर आ चुके हैं, और वो दूसरी वाली टंकी आपको साइड में दिख रही होगी, तो मैं इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, बहुत ही अच्छे से जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये टंकी भी नई वाली भी काफ़ी ऊपर हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है। और साथ में यहाँ पर देख लीजिए गाइज, ये जो है टंकी के आसपास का एरिया किस तरह से दिखता है। ये थोड़ा मतलब दोस्तों गांव से थोड़ा सा दूर है, और ये ज़मीन है थोड़ी सी बंजर टाइप जमीन है। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब दोस्तों ऐसे थोड़े पेड़ पौधे भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं इस टंकी के गेट के पास आ चुका हूँ। तो गाइज चलते हैं इस गेट के अंदर, और इसके यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों चलते ही आप सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ाएंगे कि भाई यहाँ पर किसने ये जो है टंकी बनवाई है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आगे चलेंगे कि गाइस ये जो है टंकी है वो ऊपर चढ़ने के बाद अंदर से या फिर दोस्तों ऊपर से कैसे दिखती है और गाँव कैसे दिखता है इस टंकी से। देखो गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी बहुत तेज़ धूप है तो तेज़ धूप में मैं आया था क्योंकि आपके लिए दोस्तों मुझे एक व्लॉग वीडियो शूट करना था कि भाई बताएं सभी लोगों को गांव की टंकी कैसे दिखती है। तो यहाँ पर देख दो सतगुरु स्वामी सुरेंद्र दास जी महाराज यहाँ पर अनंत श्री सुखराम दास जी ट्रस्ट के द्वारा ये जो है पेयजल की टंकी बनवाई गई है। बहुत ही मतलब दोस्तों पुरानी है ये टंकी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी पुरानी टंकी यहाँ पर दोस्तों बनाई हुई है। तो आप यहाँ पर वीडियो रोक के भी देख सकते हो किसने बनवाई, कहाँ बनवाई, क्या क्या अतिथिगण है। और अब चल दोस्तों चलते हैं, मैं सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ता हूँ और बताते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यूज़ देखने को मिलेगा या फिर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू देखने को मिलेगा। सीन बहुत ही बेहतर होगा गाइस, बहुत ही अच्छा। ऊपर दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बहुत थोड़ी तेज़ हवा चल रही है नीचे से। तो गाइस यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हवा वो तेज़ चलती रहेगी। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर 10-20 सीढ़ियाँ चढ़ा और इसके बाद दोस्तों मैंने आपको व्यू बता रहा हूँ कि भाई टंकी से कैसे दिख रहा है, ये व्यूज़ है वो किस तरह का दिख रहा है। और ऊपर देखो गाइज, ऊपर जो है इतनी ऊपर अभी टंकी है, तो गाइज वहाँ तक हमें जाना है और वहाँ से हमें देखना है कि भाई ये टंकी है वो किस तरह से दिखती है। तो चलो दोस्तों हम और ऊपर चढ़ते हैं और धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जो रेगुलर चढ़ रहे हैं वही लोग यहाँ पर दोस्तों चढ़ पाते हैं, बाकी के लोगों के लिए बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। तो हम ट्राई करेंगे दोस्तों यहाँ पर आराम से धीरे धीरे चढ़ाएंगे इस टंकी पे, और फिर आराम से चढ़ के मैं दोस्तों आपको जो है सारा का सारा व्यू है वो दिखाएंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन गांव के ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको थाईलैंड के, चाइना के और दोस्तों जो है श्रीलंका, पाकिस्तान के आदि ये जो है इन सभी कंट्रियों के गाँव के वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल को सेलेक्ट करो ताकि दोस्तों आने वाली बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ और ब्लॉगिंग वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए गाइज मैं जैसे ही ऊपर जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना गाइज, तो बहुत ही अच्छा सीन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो गाइज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल ऊपर तक पहुँच चुका हूँ। तो गाइज यहाँ से देखेंगे पूरे आसपास का एरिया गाँव कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए गाइज सब घर वगैरह छोटे छोटे दिख रहे हैं गाइज, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ब्यूटीफुल सीन यहाँ पर आपको देखने को। यहाँ पर गाँव की टंकी, और टंकी के अलावा दोस्तों यहाँ पर वो तालाब, यहाँ पर देखो गाइस हरा दिख रहा होगा किस तरह का, बहुत ही बेहतरीन। तो ये जो है आगे के लिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था है ऊपर चढ़ने के लिए, तो गाइस यहाँ पर आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस जूम करने के बाद ये सुखराम दास जी महाराज जो ट्रस्ट निर्माण करने वाले हैं उनका दोस्तों यहाँ पर जूम करने के बाद वो दिख रहा है, मतलब दोस्तों मंदिर वगैरह दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, और जूम करने के बाद दोस्तों गाँव का सीन इस तरह से दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन भाई, वाह मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ पर ऊपर चढ़ के। अगर आपको भी इस टंकी पे चढ़ के इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल गाँव का सीन देखना है तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी व्यूज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी जो है ब्लॉगिंग वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताओ जो भी जो दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कौन कौन मतलब दोस्तों चाहता है कि इस टंकी के टॉप पे चढ़ के देखूँ कि भाई कैसे दिखती है टॉप के, पूरी टॉप पे चढ़ने के बाद। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो गाइज डेफिनेटली आपके लिए मैं दोस्तों फिर से इस टंकी पे चढ़ेंगे और फिर से वीडियो जो है शूट करेंगे भाई ऊपर से किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो गाइज जिस तरह से जूम दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पर दोस्तों बताने वाला हूँ जो ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो आपको मैं बताने वाला हूँ जूम करके। तो गाइज इन पहाड़ों पे दोस्तों किस तरह से जो है दिखती हैं हमारा गांव, तो गाइज यहाँ पर देख लीजिएगा टंकी पे चढ़ने का इस तरह से व्यवस्था है, इन पहाड़ों पे जाके ब्लॉगिंग शूट करना।